सोन इन फिगर, ये किसी इंस्टेंट, ये वाला ब्लॉक इधर आ रहा है समझना, और ये नीचे जा रहा है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट हमें वेलोसिटी शो करनी है ब्लॉक बी की, ठीक है। ब्लॉक बी की वेलोसिटी किधर होगी, ठीक है। ब्लॉक बी की वेलोसिटी कुछ इधर होगी, इधर की डायरेक्शन में ब्लॉक बी आ रहा होगा, उसको मैं बोल देता हूँ बी से ए इधर आ रहा, ठीक है। अब आपको पता होगा, इसे पहले वाला लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैं कि अगर स्ट्रिंग के अलोंग जो भी स्पीड होती है वो सेम होती है, तो अगर मैं इस पर सिग्मा टी डॉट ए लगाऊंगा तो इसकी जो वेलोसिटी है यार वो स्ट्रिंग के अलोंग तो है ही नहीं यार, तो स्ट्रिंग के अलोंग नहीं है तो मैं स्ट्रिंग के अलोंग कर दूंगा ना, ठीक है भाई। इसकी वेलोसिटी भी है तो इसका एक कॉम्पोनेंट इधर आ जाएगा जो होगा वी कॉस 37, तो वी कॉस 37 इसकी वेलोसिटी आ गई और इधर इसका टेंशन आ रहा होगा। तो अब अगर मैं टेंशन इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन टी ले लेता हूँ तो इसमें भी टी और इसमें आ जाएगा 2t, ठीक है। तो 2t ये ब्लॉक नीचे जा रहा तो इस पर 2t ऊपर लग रहा, तो अगर ट्यूट इस पर सिग्मा 2t लगाऊंगा तो टेंशन ऊपर है ये नीचे है, तो -10 और ये 2t इस पर आ गया, ठीक है भाई। कॉस समझ रहे हो ना, कॉस 180 भाई, टेंशन ऊपर लग रहा है ये इधर, तो कॉस 180 -1 ये, और इसमें देखो इसकी जो स्पीड है वी कॉस 37 टेंशन के अलोंग ही आ रही, जिधर टेंशन लग रहा है उधर ही लग रहा है, ठीक है। साइन से कोई मतलब नहीं है, तो प्लस वी कॉस 37 मल्टीप्लाइड बाई टी दैट इज मस्ट बी इक्वल टू 0, टी ने टी को ख़त्म कर दिया, तो ये आ जाएगा वी कॉस 37 की वैल्यू रखो तो कॉस 37 इज इक्वल टू 4/5 दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो वी इज इक्वल टू 25 meter per second, दिस इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक बी वाला जो है वो 25 meter per second से इधर आ रहा होगा, वो आपको दिख रहा होगा, ठीक ना, है ना। कैलकुलेट कर लिए इसको, तो 25 meter per second से ये इधर आ रहा है, चलो नेक्स्ट वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है अपने खुद से ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेहतर मतलब रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलो ये